अज जलंधर के प्रैस क्लब पांच किसान यूनियन वालों किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की प्रधानगी एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस विच किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल का कहना है कि उन्होंने सूबे में वातावरण साफ सुथरा करने के लिए पांच जथेबंदियों वालों सूबे दे विच एक लख बूटा लगाया गया है ताकि सूबे के वातावरण को बचाया जा सके। दूजे पासे इस मौके पर किसान नेता ने ऐलान किया है कि 5 अगस्त को पानिया के मुद्दे पर पंजाब सरकार को नोटिस दिता जाएगा। उनका कहना है कि पंजाब सरकार सूबे के पानी को टेल तक सही तरह किसानों तक नहीं पहुँचा रही। केंद्र सरकार को नोटिस दिता जाएगा कि पंजाब विच पानी की वंड रिपेरियन एक्ट के अनुसार की जाए। असी 5 किसान जथेबंदियों ने कुछ फैसले किए हैं, उस तो पहला मैं सारे की इंट्रोडक्शन दे दिया। मेरा नाम बलबीर सिंह राजेवाल है, प्रधान भारतीय किसान यूनियन राजेवाल। सर प्रेम सिंह पंगू ऑल इंडिया किसान फैडरेशन तो, सर कमलप्रीत सिंह पन्नू किसान संघर्ष कमेटी पंजाब, सर बोग सिंह मानसा BKU मानसा, सर हरजिंदर सिंह टांडा आज़ाद किसान संघर्ष कमेटी पंजाब। इस तरह असी 10 तारीख तो सारे पंजाब विच बूटे लाने की मुहिम शुरू की हुई है, उन्होंने बहुत हुंगारा मिल रहा है और इस गल की खुशी है भी बहुत सारिया समाजिक जथेबंदियां धार्मिक जथेबंदियां सारिया ये पंजाब का वातावरण सुधारन वास्ते बूटे लाने की मुहिम साढ़े नाल शामिल हुई हैं। तकरीबन 1 लख तो वध बूटा हुण तक असी ला चुके हैं और अगे मुहिम 31 जुलाई तक ये मुहिम चलती रहेगी। इस तरह असी आम तौर पर बूटे अपने ट्यूबवैलों पर ला रहे हैं क्योंकि जोड़े रस्तिया लगते वो कई बार सेफ नहीं होंगे, कोई जानवर खा जाते हैं, पशु खा जाते हैं, ताकि उन्हों की सामभ संभाल भी हो। असी बूटे लाने तक सीमित नहीं, उन्होंने संभाल कर तक असी कोशिश कर रहे, रिकॉर्ड बना रहे हैं किनू किन्ने बूटे दते कि ट्यूबवैल पर किन्ने लगे, वह कोई मोबाइल नंबर किसी वेले भी उन्होंने जाके चैक किया जा सकता। इस तरह असी सारा रिकॉर्ड बना रहे हैं बड़ी सीरीयसली क्योंकि पंजाब का जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग का असर है और उदे लई बहुत जरूरी है भाई असी अपना जंगल जिहड़ा जंगल हेठ रखवा वह वधाईए। दूजा एक असी फैसला किया भी 5 अगस्त नूं असी मोहाली अंब साहब अगे इकट्ठे होवांगे बहुत वड्डी गिणती विच। बहुत वड्डा इंपॉर्टेंट मुद्दा है पंजाब दे पानियां दा, धरती हेठला पानी मुक गया, साढ़े नाल हमेशा बेइंसाफी होंदी रही है पंजाब च पानी वंडण दे मामले च, बड़े कमीशन बड़े जिहड़े सी ट्रिब्यूनल बने बड़ा कुछ होया जो भी होया पर सानू पानी चाहिए। इसलिए असी 5 तारीख नूं पंजाब सरकार नूं एक नोटिस देंगे जिहदे विच उन्हां नूं कहांगे जिन्ना एलोकेशन है पानी दी वह भी साढ़े खेतों तक नहीं पहुँचता, वो खेतों तक पहुँचता करो। हर सूआ जिहड़ा है वह 5 किलोमीटर पिछे ही टेल एंड तो खत्म हो गया, कागजा बच्चे है वो पानी लगता ही नहीं कितने, जेडे सूए ने उन्हों की सफाई कदे हो ही नहीं, उत्थे अंदर दरख्त जमे खड़े ने, सिल्ट भरी पई है, सूए की कपैसिटी नहीं पानी लैन की। इस करके एक तो पंजाब सरकार ने नोटिस देंगे भी जोड़ा ये लोकेशन है वो साढ़े में 60 साल पहला साढ़े हर खेत में पानी मिलता हों नहरी उस तरह पानी साढ़े खेतों तक पहुँचाया जाए। दूसरा नोटिस केंद्र सरकार को देवे भी साढ़े नाल बेइंसाफी हुई है पंजाब नाल हमेशा, चाहे तो कोई पोलीटिकल लीडर वो अपनी सियासी भुख लई बेईमानी कर गया, चाहे केंद्र च बैठे हुक्मरान हमेशा जिहड़े पंजाब दे विरोधी रहे ने उन्होंने किया पंजाब दा पानी, पंजाब नूं आप खुद नूं लोड़ है, साडा धरती हेठला पानी मुक गया। इसलिए असी मंग करांगे भी एक तो सारे दरियावां दे पानी की दोबारा असैसमेंट होवे। साढ़े मुताबक 1960 के बाद कोई असैसमेंट नहीं हुई, उदों 17 पॉइंट कुछ जड़ा सी पानी MAF पानी सी वो घट के 11 MAF के नेड़े तेड़े है। इहदी असैसमेंट होनी बहुत जरूरी है ताकि पता लग सके साढ़े कोल पानी है किन्ना, कुल पानी किन्ना, उहदे बाद वंड की गल आउंदी है। दूजी गल असी सरकार तो मंग करांगे भई चाहे राइपेरियन प्रिंसीपल नाल लै लो या कंस्टीट्यूशन की 7th शड्यूल जी स्टेट लिस्ट है वो 17 नंबर पर पानी दर्ज है स्टेट सबजैक्ट है,
इस करके केंद्र अपना ये हाथ बाहर कढ़े जो कुछ पिछे फैसले होए असी उन्होंने सहमत नहीं। पहला पानी पंजाब खुद प्यासा है, पंजाब नूं पानी चाहिए, असी हरियाणे नाल बैठ के आपे पानी वंड लवेंगे, केंद्र सरकार ये निकल जाए उसके बाद जो साडे कोल पानी बचेगा असी बाकी स्टेटां नूं किवें की भा पानी देना है वह असी फिर आपो जी बैठ के फैसला करांगे। इहदे लई इह इक नोटिस साडा केंद्र सरकार नूं होएगा, एक महीने का नोटिस देंगे, उसके बाद फिर उतों असी तरीक का 5 तरीक नूं ऐलान कर देंगे किस तारीख तो मोर्चा लगेगा। मेन साडा पानिया का मुद्दा है या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा है। मैं पिछले दिन ही चीफ मिनिस्टर नूं एक चिट्ठी लिखी सी भी जिहड़ी जयपुर मीटिंग होण जा रही है उहदे विच आए मुद्दे बड़े गंभीरता नाल विचारन वाले ने, ये उत्थे मुद्दे उठाए उहदे विच पानिया का मुद्दा उन्हां नूं कहा सी, उहदे विच पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा कहा सी, पंजाब यूनिवर्सिटी नाल पंजाब दीआं भावनावां जुड़ियां हुई हैं, वो असी पंजाब तो बाहर किसी नूं बिल्कुल जान नहीं देंगे, वो असी साडी यूनिवर्सिटी साडी है ही रहेगी। कुछ मसले चंडीगढ़ के ने उन्होंने वह भी उन्होंने लिख के दिता सी, बेरोजगारी तो उन्होंने कहा सी भाई केंद्र तो मंग करो कोई प्रोजेक्ट इतने बड़े देन ताकि बेरोजगारी की समस्या हल होवे, ते नशियां बारे उन्होंने कहा सी मुद्दा उठायो। मैं अफसोस है उत्ते उन्होंने जिहड़े मुद्दे उठाए भी वो ठीक ढंग नाल नहीं उठाए, उन्हां दी आम चर्चा लोगों के है, पर असी 5 अगस्त को अपने अंदोलन का बिगल बजा देंगे, चंडीगढ़ वड्डा इकट्ठ करके नोटिस देंगे, तो सितंबर में असी वड्डा अंदोलन शुरू करांगे। सवाल केंद्र सरकार को नोटिस देंगे भी पानिया की वंड हुण तक गलत हुई है, सेम डे दोहां है जी जी, उन्हें गवर्नर नूं देंगे वह नोटिस जिहड़ा सेंटर दा है, स्टेट दा स्टेट नूं देंगे। अंब साहब कट्ठे होंगे जी, उत्थे बनावांगे प्रोग्राम, फिलहाल कट्ठे होने का मीटिंग पॉइंट है जी, फिलहाल उत्थे कट्ठे होकर नोटिस देने का प्रोग्राम है, बाकी असं उत्थे 5 तारीख में जो करना दोनों के अगेंस्ट, स्टेट ने साडे कोल पानी जिहड़ा एलोकेशन हुई हुई है वह भी पानी साडे खेतों तक नहीं आता, रस्ते जे मुक जांदा सारे तुसीं किसी पंजाब का कोई सूआ देख लो वो कागजा भी जिथे तक है वो तो 5 किलोमीटर पिछे ही वह बंद हो जाता है, टेल एंड तक जाता ही नहीं। एक गल किसी सूए तो निकल जाओ तुसी देखोगे वो सिल्ट नाल भरिया होया, वो आले दुआले दरख्त जम्मे खड़े ने, कोई सफाई हुई ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, कागजों में सफाई होंदी है। तो अज जदों सानू पानी की बेहद लोड़ है, हुण पंजाब पानी हुण प्यासा है, तो असी पहली गल तो अपने आले नूं तो कहांगे ना भी जिहड़ा तुहाडे कोल पानी है ये तो साडे खेतों तक पहुँचता करो, इन्हां नूं तुहानूं बन ना पाकिस्तान नूं जा रहा जी, पाकिस्तान नूं जा रहा लीकेज नाल, जिहड़ा इन्हां ने बनाया होया बहुत पुराना है वो टुट गया, वो लीक करके पानी 1000 खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की स्टडी है वो कहते हैं 1000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी पाकिस्तान में उतों जा रहा, ये तो इस सरकार को बंद करना चाहिए, उन्होंने जोड़ा इन्ना पुराना लाया हुआ उ सिस्टम उन्होंने फिर नव ला उ पानी कंट्रोल कर और उत्तर पंजाब में देन पानी उतों। असी हाले फैसला नहीं किया, हाले असी फैसला नहीं किया, हाले कोई फैसला नहीं करोगे नहीं, असी प्रोग्राम असी फैसला 5 जथेबंदियां ने किया, कोई आ जाएगा तो वो हाँ जी, ये अनफॉर्चुनेट पहलू है भी जथेबंदियां हुण पता ही नहीं लग रहा किनिया को हो गई, कोई 100 के उत्ते हो गई, जदों किसी वेले 32 सी जदों असी उत्ते दिल्ली सी, हुण जो सानू पता लग रहा वो मुताबिक 100 के उत्ते हो गई, जिहड़ा रुसिया उही अलग जथेबंदी हाँ जी, लैफ्ट वाले बैठे ने, तुसीं लैफ्ट वाले बैठे तो हैं, हाँ बैठे ने लैफ्ट वाले, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन नहीं दूजी है वो हो रहा है ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, इस गल च सफल हुई है, कुछ लोग सरकार का पक्ष पूर के जथेबंदियां तोड़तियां उन्होंने वो सफल हुए ने, सफल हुए ने
सरकार वाले सफल होए ने सानू तोड़न च। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਲੈਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਵੇਕ ਸੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਜ਼ੀ ਹਬ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ 10 ਤੋਂ 12 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਏ, ਅਤੇ ਔਜ਼ੀ ਹਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਔਜ਼ੀ ਹਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ। ਗੈਪ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਕਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਅਤੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।